गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिक्स सीखेंगे। तीन की ट्रिक्स है, अलग अलग पक्षियों के चित्र बनाना। तो जैसे सबसे पहले हम मोर बनाने जा रहे हैं। मोर बनाने के लिए आपको ये तीन आकृति बनानी है। तीन के बाद आपको यहाँ से ये लाइन और लेना है, इसको यहाँ मिला देना है। यहाँ से मोर का मुख दिखाना है और ये मोर की चोंच दिखा देनी है, आंख दिखा देनी है और ये मोर के सिर पर कलंगी होती है वो दिखाई। यहां से पंख और ये मोर के चंदोवे इस प्रकार दिखाएंगे। ये मोर पंख जिसे श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर लगाते हैं, उनको इस प्रकार दिखा सकते हैं आप। एक आसान तरीके से आप मोर बनाना सीख सकते हैं। पैर बनाने के लिए आप एक लाइन यू लें, दूसरी लाइन यहां से ये चार की तरह की आकृति बना के आप मोर के पंख पैर बना सकते हैं। तो ये आपको एक मोर जैसी सुंदर आकृति दिखाई। बच्चों, ये आपका प्यारा सा मोर बनके तैयार हो गया है। उसके बाद दूसरी जो आकृति आप तीन से बनाने जा रहे हैं वो देखेंगे। तीन से ही दूसरी आकृति, तीन बनाए वही सैम, ये भी सैम। यहां पर भी ये चोंच थोड़ी इधर घुमा देंगे, और ये बतख जो पानी में इस प्रकार आप बतख का तीन से बतख भी बना सकते हैं।